नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दोषी ठहराए गए यूपी सोनभद्र के बीजेपी विधायक राम दुलार गौड़ को 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बीजेपी विधायक राम दुलार गौड़ पर रुपए 10 लाख के जुर्माना भी लगाया गया है, जो बलात्कार पीड़िता को उनके पुनर्वास के लिए दिया जाएगा। सश्रम कारावास है राम दुलार गौड़, जो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए थे, उसे आज एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश महोदय के द्वारा 25 वर्ष का कठिन कारावास यानी सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए अर्थदंड लगाया गया है, जो यह 10 लाख रुपए पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिया जाएगा। राम दुलार गौड़ ने 4 नवंबर 2014 को अपने गांव के एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके लिए 9 सालों तक लगातार मुकदमे चले न्यायालय में, 300 से अधिक तारीखें चली। इसके बाद अंतोगत्वा आज न्यायालय से फैसला आया हुआ है। इस फैसले से पीड़ित के जो भाई हैं और पीड़ित का जो परिवार है, पूर्णतया संतुष्ट है। पीड़िता को पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपए जो दिया गया, उसकी जो उसके साथ घटना हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन एक तरह से उसे पुनर्वास करके, उसकी एक बच्ची है, उसका क्या हुआ? पीड़िता जो राम दुलार गौड़ के नाजायज संबंधों के कारण तो एक बच्ची पैदा हुई है, जो वर्तमान समय पीड़िता के साथ है। उस पीड़िता के लिए न्यायालय ने तो कोई अलग से कंपनसेशन नहीं दिया है। मुझे लगता है कि वर्तमान समय जो प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, बेटी बचाओ की बात करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जिनके विधायक हैं राम दुलार जी, इस अपराध के लिए वो दोषी पाए गए हैं, तो निश्चित रूप से पीड़िता से जो बेटी पैदा हुई है और इनके विधायक के ऊपर आरोप है कि यही जो बलात्कारी जिसे न्यायालय ने साबित किया है, ये विधायक जी उसका देखरेख करें या उत्तर प्रदेश की सरकार उस बेटी को गोद ले और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाए। इस फैसले से विधायक की सदस्यता चली जाएगी। 2 वर्ष तक के सजा का प्रावधान है, जिसमें 2 वर्ष सजा होने के बाद अमारी तमाम माहिती थी। अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो SNI न्यूज साथे।